बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की, जहां पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई। कल जियो ने टेरिफाई किया, आज भारती ने टेरिफाई किया। प्लान्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं और टेलीकॉम पर अब ब्रोकरेजेस के क्या व्यू हैं, इन दोनों पर बात कर लेते हैं। असीम के पास चलते हैं पहले न्यूज़ के लिए, उसके बाद यतिन के पास चलेंगे इस न्यूज़ के इम्पैक्ट के लिए। असीम, कल आपने ब्रेक किया था कि कंपनियाँ टैरिफ हाइक करेंगी, कल ही आ गई वो, अब बताइए कि कितना प्राइस हाइक रहा और क्या आगे और प्राइस हाइक्स भी आएंगे, ऐसा कुछ आपको अगर कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो। देखिए, टैरिफ हाइक की चर्चा काफी लंबे समय से थी और लेकिन ये था कि ये कब होंगे और कितने होंगे और इसका ट्रिगर क्या होगा। तो जैसे स्पेक्ट्रम ऑक्शन खत्म हुई तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि वो ट्रिगर अब मिल गया है और अब टैरिफ बढ़ने वाले हैं। तो अब टैरिफ हाइक कल से ही आपको देखने को मिल गए। सबसे पहले लीड ली रिलायंस जियो ने, साढ़े 12% से लेकर के 25% तक के आसपास टैरिफ हाइक किए। हमने आप उसी वक्त दर्शकों को बता दिया था कि अब बारी आ चुकी है कि दूसरी कंपनियां भी इसको फॉलो करेंगी। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ही इसको हाइक आप आती हुई देख सकते हैं। तो आज सुबह ही एयरटेल ने बाजार खुलने से पहले बता दिया कि उसने टैरिफ हाइक कर दिया 10% से लेकर के 23% तक का ये टैरिफ हाइक है। थोड़ी देर में वोडाफोन आइडिया भी अपने टैरिफ अनाउंसमेंट करेगा, खासतौर पर कि वहां भी आपको 10% से लेकर के 22% तक की हाइक आपको देखने को मिल सकती है। और खासतौर पर कि ये 2.5 साल बाद टेलीकॉम कंपनियों ने हेडलाइन टैरिफ बढ़ाए हैं। तो आखिरी बढ़ोतरी आपको दिसंबर 2021 में देखने को मिली थी, उसके बाद से लगातार टेलीकॉम कंपनियां इसको डेफर कर रही थी, लेकिन अब सही ट्रिगर पॉइंट आ चुका था इसलिए टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ बढ़ा दिए। तो एक बड़ा हाइक हम यहाँ कह सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से किया गया। दूसरा, आपने कहा कि अगर क्या दूसरी हाइक भी देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनी अपने बाकी छोटे प्लांट जो है रिजिग कर दे, थोड़े बहुत उनमें टैरिफ हाइक जो है कर दे। लेकिन अब जो इतना मैसिव टैरिफ हाइक आपको यहाँ पर देखने को मिला, तो कम से कम आपको 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा कि दूसरा टैरिफ हाइक इसी लेवल का टेलीकॉम कंपनियां आगे करे। तो अगला टैरिफ हाइक हम 6 महीने से पहले नहीं देख रहे। हाँ, बाकी प्लांट्स के अंदर थोड़ा बहुत रिजिग टेलीकॉम कंपनियां जो लगातार करती आई हैं, अपने बेस टैरिफ को जैकअप करती आई हैं, वो इस बीच में वो करती रहेंगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया असीम। बिल्कुल, सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ ने आपको कल ये इन्फॉर्म किया था कि टैरिफ हाइक बहुत जल्द आने वाला है। आज सुबह यतिन से भी बात हो रही थी कि आज शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए एक बार के लिए, लेकिन यतिन ओवरऑल ये स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, तो एक बार थोड़ा सब रिटेल चेना अगर निकलेंगे तो शायद वापस मूव आए, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं सर? बिल्कुल, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है क्योंकि बहुत टाइम से टैरिफ हाइक की गाइडेंस मैनेजमेंट भी दे रही थी, लेकिन ब्रोकरेजेस की माने तो ऑब्वियसली अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनले के हिसाब से जियो ने जो टैरिफ अनाउंसमेंट किया है वो टाइमिंग और प्राइसिंग के हिसाब से इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट जो टैरिफ हाइक किया है उससे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जिसको आरपू बोलते हैं, ये 16-18% तक बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आगे जाएंगे तो 18-20% के आसपास की और एक हाइक आपको एक्सपेक्टेड रहेगी 12-18 महीनों में। करंट मल्टीपल्स जो है वैल्यूएशंस के हिसाब से, उसके लिहाज से पूरे के पूरे टेलीकॉम पैक में 11-15% की अभी भी अपसाइड बाकी है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। जेफरीज ने खरीदारी मेंटेन की है भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। 1720 रुपये का टारगेट है उनका भारती पे और 3580 रुपये टारगेट है रिलायंस पे। और जेफरीज को ये लगता है कि जो टैरिफ हाइक हुआ है उससे ओवरऑल बेसिस पे जियो का जो ईपीएस एस्टिमेट्स है वो लगभग फ्लैट टू नेगेटिव रहेगा। ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट कॉल है रिलायंस पे 3046 के टारगेट के साथ, और जैसे कि मैंने पहले कहा जेफरीज का टारगेट बहुत बड़ा है रिलायंस पे 3580 के आसपास। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रखने के लिए। तो ये कुछ कॉल्स यहाँ पर इस समय पर। रुजित, टेलीकॉम स्टॉक्स कोई है आपके रेडार पर? रुचित अनम्यूट करिए प्लीज। या रियली सॉरी, सो आई थिंक विद इन द एंटायर स्पेस देखे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्ट सक्सेस पे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। भारतीय एयरटेल भी पॉजिटिव है, बट उसमें एक मूव ऑलरेडी आ चुका है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज देखे तो मार्च महीने से एक 3 महीने का कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में दिखाया था, जिसका ब्रेकआउट ये स्टॉक ने 3000 के ऊपर दिया है। सो आई थिंक आगे एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव रहेगा, बट नो इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल रिलायंस के चार्ट से। करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ पे 2950 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। हमें लग रहा है कि ये सीरीज में पॉसिबिलिटी 3250 के अराउंड के टारगेट्स रिलायंस में आ सकते हैं। इस बीच रिलायंस पे एक टेक से डिस्क्लेमर।